सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आप सभी का फिशिंग में स्वागत है। मैं चैनल टी एच इलेक्ट्रॉनिक्स। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ब्रांडेड स्पीकर और एक नॉर्मल जो मार्केट में मिल जाता है वो स्पीकर के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। और प्लस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो ब्रांडेड स्पीकर है इसको खोल के भी दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर कैसा टाइप का कॉइल लगा हुआ है, कैसा मैग्नेट है, क्या है, सब चीज़ पूरा हम इसका पर्दा को काट वगैरह के देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ फ्रेंड्स, ये इंटेक्स का जो है होम थिएटर से निकला हुआ स्पीकर है, ठीक है। और ये अपना जो है नॉर्मल वाला स्पीकर आप लोग जानते ही होंगे, ये वाला मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को एक ही बात समझ नहीं आता कि ऐसा वाला स्पीकर मार्केट में ज्यादा क्यों नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो इसका प्राइस एकदम ज्यादा रहता है, या मतलब वो जो है जेन्युइन पार्ट्स टाइप से ही मिलता है तो उसका प्राइस एकदम ज्यादा रहता है। मेरे को ये डिफरेंस बिल्कुल समझ नहीं आता कि मार्केट में ये वाला स्पीकर बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 60-70 रुपए 80 तक, 100 में भी मिल जाए तो भी ठीक है ये वाला 3 इंच का, और ये वाला तो अपना भाई 200-250 पार कर जाएगा एक स्पीकर ऐसा टाइप का। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे कि आपका स्पीकर खराब है? तो फ्रेंड्स, आधा तो एक तो होता है कि आपका स्पीकर पूरा ही जल जाए जिसमें आवाज़ ही ना आए, ठीक है। तो एक वो वैसा टाइप का ख़राब होता है जो ये वाला स्पीकर ख़राब हो गया, वो क्या होता है कि ज़्यादा वोल्टेज वगैरह आ जाने से आपका स्पीकर डैमेज हो जाता है। और एक फ्रेंड्स ऐसा रहता है जो कि आधा डैमेज हो चुका होता है, मतलब उसका आधा कॉइल जल चुका रहता है, ठीक है। मतलब कभी ज़्यादा वोल्टेज आया होगा या ऐसा, मतलब एक बार वो सह लिया होगा लेकिन अब वो मतलब करीब करीब उसका आवाज़ ख़त्म हो गया, ऐसा टाइप का आधा स्पीकर रहता है जो कि ज़्यादा ओल्ड हो जाने की वजह से होता है, या कॉइल वॉइल जाम हो जाता है, जंग लग जाता है, उस वजह से होता है। तो सबसे पहले आपको टेस्ट कैसे करना है, अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से तो आसानी से टेस्ट हो जाता है। कंटिन्यूटी पर अपन रखते हैं इसको और इसको अपन देखेंगे दोनों नॉब को लगा के, अगर इसमें बीप का साउंड नहीं दिया मतलब आपका स्पीकर ख़राब है। और ये वाला स्पीकर में अपन देखते हैं फ्रेंड्स, कोई रीडिंग या बीप दे दिया आपका, कोई सा भी रीडिंग दिया, कोई भी रीडिंग दे इसमें। वैसे थोड़ा सा इसका वायर का जो है ये रेजिस्टेंस बता रहा है क्योंकि वायर मुड़ा हुआ है इसीलिए शायद, ठीक है। देख सकते हैं अगर बीप दे दिया मतलब कि आपका स्पीकर सही है, और अगर इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा है बीप नहीं दे रहा है तो आपका कॉइल आधा जला हुआ है उसमें, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर मल्टीमीटर नहीं है तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा एक तरीका रहता है, आप लोग ऐसे टाइप का बैटरी लेंगे, ठीक है, और इससे चेक करेंगे। ये वाला स्पीकर तो अपना ख़राब है तो इसको मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी इसका ये जो है ऐसा सेल टाइप का है, ठीक है, तो चेक नहीं होगा। इसमें वायर लगा है, मैं आपको वायर वाला चेक करके दिखा देता हूँ। इससे फ्रेंड्स आप लोग एक चीज़ और भी पता कर सकते हैं कि आपका जो स्पीकर है उसका पॉजिटिव नेगेटिव भी आप पता कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ लगाना पड़ेगा वायर को, मैं आप लोग दिखा देता हूँ, और इसमें से आपको कट कट का आवाज़ आएगा, मतलब आपका स्पीकर सही है। देख सकते हैं फ्रेंड, पर्दा थोड़ा सा उठता है और कट कट का आवाज़ आता है, ठीक है। एकदम से लगा के नहीं रखना है नहीं तो आपका स्पीकर जल भी सकता है। ये जो है अपना रिचार्जेबल बैटरी था फ्रेंड्स, मैंने मार्केट से परचेज करके लाया था, काफ़ी अच्छा ये बैटरी रहता है, इसको आज तक मैं चार्ज पे भी नहीं लगाया हूँ। ये 4200 mAh के, इसको लाए हुए करीब मेरे को 4-5 महीने से ज़्यादा हो ही गया होगा सर, ठीक है। मैं चार्ज नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे को यूज़ नहीं पड़ रहा है इसका, इसका मैं सोचा पावर बैंक वगैरह बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा बैटरी रहता है, 100 रुपये के आसपास ये शायद मिल जाता है, इसका प्राइस अभी मेरे को एक्चुअल याद नहीं है, ठीक है। तो देख लिया फ्रेंड्स, अभी चेक कैसे करते हैं हमने पता कर लिया, और इससे जो है बैटरी से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं इसका पोलैरिटी क्या है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव स्पीकर का पता कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक्चुअली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वीडियो जो है हम लोग दूसरा टॉपिक पर बनाने वाले थे लेकिन एकदम से मतलब होम थिएटर के ऊपर ही वो वीडियो होने वाला था, एकदम से मेरे दिमाग में ये आया कि स्पीकर अपने पास अगर ख़राब हो गया तो उसके अंदर क्या है जाए देखा जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको खोलने वाले, ये अपने पास ब्लेड है, ठीक है, ये साइड से मैं इसका पर्दा काटना शुरू करूँगा। अच्छा क्वालिटी का बाकी कौन है इसमें, स्पीकर भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। ये जो है इसका रबड़ फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का था ये, और ठीक है यहाँ पे अपने को पेपर टाइप क्वालिटी मिल जाता है, आप लोग देखेंगे ऐसे फटता है, ठीक है, देखेंगे फ्रेंड्स ये पेपर आसानी से यहाँ पे फट जा रहा है, तो पेपर को अपन निकाल लेते हैं, कॉइल को अपन यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको निकाल लिया। ये इसका जो है ये बुलेट वाला डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा लगता था, तो ये अभी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कॉइल कुछ इस तरीके से निकला है, ठीक है। तो अभी हम इसको इसका कॉइल को निकालने का कोशिश करते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। तो अभी हम इसका ये स्पाइडर को काट लेते हैं, तो स्पाइडर तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यही जो डिफरेंस रहता है फ्रेंड्स ब्रांडेड और लोकल में, आप लोग देख सकते हैं स्पाइडर का भी डिफरेंस रहता है, जो अपना लोकल वाला है ज़्यादा जंप खा के तुरंत उड़ जाता है, ठीक है, लेकिन इसका आप लोग देख सकते हैं हार्ड है स्पाइडर एकदम, ठीक है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कि आपको जो है अच्छा खासा ये बेस दे दे, जो एकदम भरभरा के बेस देता है ना वो वाला चीज़ इसमें नहीं होता है ब्रांडेड में, ठीक है। तो अभी इसका अपन स्पाइडर फाड़ लेते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ, हाँ तो अभी ये अपना निकल चुका है यहाँ से कॉइल, स्पाइडर को फाड़ दिया हमने, और ये अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपना कॉइल जला हुआ है, आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन यहाँ पे ऊपर का जल गया है, और वहीं पे शॉर्ट होने की वजह से फिर नीचे सप्लाई ही नहीं जाता, जो स्पीकर अपना काम ही नहीं करता।
तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स ओरिजिनल स्पीकर में कॉइल का आप लोग क्वालिटी देख सकते हैं कितना अच्छा, मतलब ये दूर से ही दिख रहा है ये अच्छा खासा क्वालिटी का एक कॉइल है इसमें, ठीक है, और अच्छा हार्ड भी है और चमक भी रहा है दूर से, तो अच्छा ही एकदम क्वालिटी का है। बस दिक्कत यहाँ पे मतलब अपनी गलती की वजह से ऑटोमेटिक ही ख़राब नहीं हुआ है, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने इसमें करीब मैं आपको बताऊँ 24 वोल्ट 3 एम्पियर तक इसमें डायरेक्ट कनेक्ट हो गया था इसलिए ये जला है, नहीं तो ऐसी स्पीकर कोई आसानी से इतना ख़राब नहीं होता होम थिएटर में लगे लगे, और अगर ख़राब हो जा रहा है तो उसमें हो सकता है आपका वोल्टेज सप्लाई ख़राब हुआ होगा या बोर्ड में कोई दिक्कत है उसकी वजह से ये ख़राब होता है, ठीक है। तो आप लोग अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा इसमें कॉइल है, और मैं आप लोग इसका मैग्नेट दिखा देता हूँ। मैग्नेट काफ़ी अलग टाइप का रहता है ओरिजिनल वाले का, आप लोग देख सकते हैं ये साइड से अलग ही रहता है, और आप लोग वही उसको लोकल के साथ कंपेयर करेंगे तो लोकल वाले का कुछ इस तरीके से रहता है, आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल वाले का आप लोग देख ही सकते हैं। साइड से ऐसा टाइप का है कि ये निकलता भी नहीं है, ठीक है, मैं इसको निकालने की भी कोशिश कर रहा था लेकिन अच्छा खासा ग्लू व्लू लगाया हुआ है इन्होंने मैग्नेट, बाकी अंदर में अच्छा खासा लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसको कॉइल को काट देते हैं, कॉइल को हमने बीच से काट दिया पूरा, यहाँ पे येलो कलर का इसमें जो है फॉइल भी लगा हुआ है ताकि इसमें शॉर्ट्स मतलब आराम से ये मूवमेंट हो सके कॉइल का। आप लोग देख सकते हैं ये अपना कॉइल का वायर है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स बाकी कितना पतला सा ये कॉपर का या जो भी आप लोग इसमें मटेरियल रहता है कितना पतला सा इसमें कॉइल रहता है, और अपना यहाँ पे स्पीकर कितना अच्छे से जंप वगैरह खाता है और कितना बेस वगैरह प्रोवाइड करता है, सब का काम जो है सिर्फ ये एक पतला सा इतना बड़ा कॉइल में होता है। अगर ये कॉइल आपका गया तो स्पीकर गया, ठीक है, तो मेन चीज़ यही है जितना अच्छा कॉइल रहेगा उतना अच्छा आपका स्पीकर काम करेगा। और फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें इतना अच्छा राउंड मराया हुआ है इसमें अपना कॉइल में कि इसका जो है लाइंस तक अच्छे से नहीं विजिबल है, मतलब ये ऐसे लग रहा है कि एक कॉपर का ऐसे पतला सा टुकड़ा है, कॉपर का एक फॉइल है ऐसे टाइप का हमको लग रहा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में वैसा है नहीं, इसमें राउंड मराया हुआ है लेकिन वो इतना पतला है कि वो विजिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स हो सकता है ये वीडियो जो है आधी ऑडियंस को पसंद आई होगी आधी को नहीं आई होगी, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा वीडियो था, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें था नहीं, बस मेरे को आप लोगों को जो है नॉर्मल और अपना ये ब्रांडेड स्पीकर के बीच में कंपैरिजन दिखाना था। ब्रांडेड स्पीकर को मेरे को आपको अंदर से पूरा दिखाना था इसको कि कॉइल वगैरह क्या रहता है कैसा क्वालिटी का रहता है, ठीक है, तो इतना ही था बस फ्रेंड इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर किए, हम इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहते हैं एम्पलीफायर और स्पीकर से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी जो है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल आ गया तो इसलिए जो है मैं वीडियो में मतलब कि अपना स्पीकर वगैरह जो है अपना डाई बनाते हैं अपन लोग डू इट योरसेल्फ वाला जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं वो मैं अभी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन फ्रेंड जल्दी ही हम जो है उसको भी लाने का कोशिश करेंगे, हो सकता है मई जून तक वीडियो ना भी आ पाए क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहेगा अभी, ठीक है, लेकिन हम जो है फिर भी आप लोग लाने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अभी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अच्छा खासा होम थिएटर और एम्पलीफायर से रिलेटेड वीडियोस लाने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।